गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सीखेंगे अलंकार। तो अलंकार आप सभी को पता है ऐसे तो कि सारे गामा पादानी सा और सारी धापा मागानी सा सात स्वर होते हैं, ठीक है। लेकिन हम को ये जानना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि इन सातों स्वरों में कुछ दूरी होती है। सा से रे के बीच में दूरी होती है, रे से गा के बीच में दूरी होती है, फिर गा से माँ के बीच में दूरी होती है। तो मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू, ये पिक्चर दिख रही है आपको, इस पिक्चर के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो बच्चों, ये दिख रहा है आपको, स्टेप्स दिख रही हैं। तो ये जैसे आप लोग स्टेप्स चढ़ते हो, तो एक स्टेप चढ़ते हो तो फिर उसके बाद फिर क्या होता है, फिर थोड़ा और ऊपर चढ़ते हो तो थोड़ा ताकत लगती है ना, फिर और ऊपर चढ़ते हो तो फिर ताकत लगती है। ऐसे ही जैसे सा है तो सा से रे जो है, रे में थोड़ा सा खींचना पड़ता है, फिर रे से गा को और खींचना पड़ता है, फिर गा से माँ को और खींचना पड़ता है। ऐसे ही आगे ऊपर जाते रहेंगे तो उतना खींचेंगे, फिर वापस जितना आएंगे उतना ही कम खींचना पड़ेगा हमको। एक बार मैं गा के बताता हूँ, जैसे ये है सा रे गा मा पा ध नी सा। अब सा ऊपर गए, सा खींच रहा है ना, फिर जैसे सीढ़ी उतरते हैं तो धीरे धीरे उतरते हैं तो हल्का लगता है ना, उनको आराम से उतरते हैं नीचे। सा नी ध प म ग रे सा। ऐसे ही मतलब जब हम ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे सा तक तो खींचेगा, और जब नीचे आएंगे तो खिंचाव थोड़ा कम होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इस पहला अलंकार गाएंगे हम सा रे ग म प ध नी सा। सा नी ध प म ग रे सा। ये पहला अलंकार हुआ आपका। अब दूसरा, इसी से हम बहुत सारे बना सकते हैं अलंकार, पर मैं आपको थोड़ा आसान से बताऊंगा जो मतलब आप लोग आसानी से गा पाओ। दूसरा है उसको दो दो कर लेंगे, सा को सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा 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 नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। ये हुआ आपका दूसरा अलंकार। अब तीसरा अलंकार भी देख लेते हैं हम लोग। देखो ये सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा। देख रहे ना इसको, इसी के ऐसे गाना आपको देख के गाना है, ठीक है। सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा। कोई भी सॉन्ग को आप जो हारमोनियम में बजाते हो या गिटार में बजाते हो, किसी को भी किसी भी चीज़ में बजाने में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बजाने के लिए हमको सबसे पहले क्या है, स्वर को जानना जरूरी है। तो आप जितना उसको गाएंगे सीखेंगे ध्यान से तो उतना आपको आसान होगा बजाने में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने में, चाहे आप सितार बजाएं, चाहे हारमोनियम बजाएं, चाहे कीबोर्ड बजाएं, ठीक है। तो बच्चों आपको इसको ढंग से बहुत ध्यान से याद करना है, ठीक है। मेरे साथ साथ जो मैं गा रहा हूँ इस वीडियो को बार बार देखो आप लोग और बार बार गाओ साथ में, ठीक है।